इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया है और लंबा चौड़ा जवाब भेजा गया है। 8 पॉइंट में इस पूरे जवाब को समेटा गया है, जिसमें पहला पॉइंट तो यही है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी से ये सवाल पूछ लिया कि पहले आप ये बताएं कि आपने मुझे एक संदिग्ध के हैसियत से बुलाया है या फिर आपने मुझे विटनेस या गवाह के तौर पर ये समन भेजा है। अगला पॉइंट ये है कि वो पूछ रहे हैं कि पहले तो इस केस की डिटेल बताएं, किस केस के तहत आपने मुझे ये समन भेजा है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मैं चूंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, तो आपने मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक हैसियत से ये समन भेजा है, आपने मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया है या फिर मैं आम आदमी पार्टी का संयोजक हूँ इसलिए मुझे ये समन भेजा गया है, किस हैसियत से मुझे प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बीजेपी पर भी एक इनडायरेक्ट आरोप है कि बीजेपी को ये कैसे पता चला कि समन के बाद, पूछताछ के बाद मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया कि बीजेपी क्यों कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, बीजेपी को कैसे पता चला कि मेरी गिरफ्तारी होगी। पांचवा पॉइंट आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का संयोजक हूं, चुनाव चल रहा है, मुझे प्रचार करना है और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मुझे गाइड करना होगा। मैं इस समन का जवाब अभी नहीं दे सकता, मैं नहीं आ सकता, ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, दीपावली आ रही है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। छठा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल, जो सबसे अहम पॉइंट है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्हें अगली तारीख नहीं चाहिए, वो ना कोई एक्सटेंशन मांग रहे हैं, वो तो पहले यही चैलेंज कर रहे हैं कि ईडी ने उन्हें किस केस के तहत और किन पॉइंट्स के तहत समन किया है, पहले ये ईडी बताएं। केजरीवाल ने समन को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी दिल्ली में ही रोकेगी या फिर उनके घर के बाहर रोकेगी, एयरपोर्ट पर रोकेगी या फिर उन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाने दिया जाएगा। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। भास्कर, बिग क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं समन गैर कानूनी है, अब क्या करेगी ईडी, क्या उनके घर जाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए रोकेगी, अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ईडी सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाएगी या कि उनको रोका जाएगा। दरअसल जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के द्वारा जवाब दिया गया है, उसका जवाब ईडी के द्वारा उनको दिया जाएगा और नेक्स्ट डेट उनको बताया जाएगा, ये सबसे ज्यादा संभावना है इस बात की। दूसरी बात, इस लेटर को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सीधा सीधा इसमें ये आरोप लगा है कि ये ईडी के ऊपर में ही आरोप एक तरह से लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि इस समन को लीक किया गया है, उनको समन मिले उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास क्या ये पहुंच गया था, ये जानकारी पहुंच गई थी कि वो लोग ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जल्द ही समन किया जाएगा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का नाम भी उन्होंने लिखा, जो कि दिल्ली से ही सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनका नाम भी लिया है कि कैसे उन्होंने दोपहर में ही ये कह दिया कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, और इस बात की जानकारी मीडिया में दी उन्होंने और मीडिया में ये खबर भी चली थी। इन सबको आधार बनाया गया और इसके साथ साथ जो एक व्यवहारिक दिक्कत है एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने, पार्टी के मुखिया के सामने, उसका भी जिक्र किया गया है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाया जाता है, वो अगर स्पेसिफाई किया जाए समन में, तो हो सकता है कि उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम उनको करना पड़ेगा कि ये सरकार कैसे चलेगी। अगर ईडी समन करती है एक मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री को पहले ही वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ेगा। ये सब आशय निकाला जा सकता है इस लेटर से, जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाया गया है, ईडी के ऊपर में आरोप लगाया गया है कि ये शायद ये लीक किया गया, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची उनके ऊपर में। वहीं सीधा सीधा ये कहा गया कि अगर एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया को आप बुला रहे तो उनके पास ये बहुत मुश्किल भरा वक्त है, बहुत उनके पास काम है चुनाव प्रचार का। वो खुद लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, अपने पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, हर जगह उनको जाना होता है। कानूनी पहलू आप समझाएं,
भास्कर, क्या ऐसी परिस्थिति में जब ईडी को ही डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में ईडी ये कर सकती है? क्या कानून संगत होगा कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर जाए और उन्हें ये कहे कि आप अभी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इन इन कारणों की वजह से आपको ईडी के इन सवालों का जवाब देना होगा और ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए? देखिए, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने लिखित रूप में समन का जवाब दिया है, उनको भी लिखित रूप में ही जवाब मिलेगा ईडी के द्वारा। उनको बताया जाएगा कि वजह क्या है और जो सवाल उन्होंने उठाया है उसके जवाब दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत उनको गिरफ्तार करना होगा या कि उनके घर ईडी पहुंच जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। जहां तक मध्य प्रदेश जाने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि 10:30 बजे भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही ये लोग निकलेंगे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां से वाराणसी जाएंगे और वहां से उनको सिंगरौली पहुंचना है। उस रूटीन में, उस जो प्रोग्राम में है, कोई व्यवधान अभी तक नजर नहीं आ रहा है मुझे। वहां से चुनाव प्रचार खत्म करके 6 बजे बनारस पहुंचेंगे और 6 बजे के बाद वहां से वाराणसी से निकलेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहां तक कि कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही कि ईडी के द्वारा इस बीच में कोई कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूर होगा कि ईडी के द्वारा इस लेटर को पढ़े जाने के बाद कानूनी राय लेके जवाब दिया जाएगा कि आपने जो सवाल उठाए हैं उसका ये जवाब है और आपको अपियर होना पड़ेगा। तो उसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा फिर जवाब दिया जाएगा या समय मांगा जाएगा। कारण इस लेटर में अरविंद केजरीवाल ने समय नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि वो हाजिर होना चाहते हैं, एक और डेट उनको मिले, सीधा सीधा उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लीक किया गया है, राजनीति से प्रेरित है और इसलिए वो इसको खारिज किया जाए। तो सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ईडी को एक तरह से चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने उनके मनसा पे, और जिस तरह से ये खबर पहले लीक करने का आरोप लगाए, इन तमाम बिंदुओं का जवाब अब ईडी देगी, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी होगी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर पे रोका जाए या एयरपोर्ट रोका जाए या मध्य प्रदेश जाने से रोका जाए। ऐसी स्थिति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो यानी दो बड़ी खबरें हम दर्शकों को बता दें। पहला तो ये, अरविंद केजरीवाल ने ईडी से ही क्वेश्चन कर लिया है, ईडी से ये पूछा है कि आपने मुझे किस हैसियत से समन भेजा है, आपने मुझे संदिग्ध के तौर पर बुलाया है, आपने मुझे गवाह के तौर पर बुलाया है, आपने मुझे मुख्यमंत्री के हैसियत से बुलाया है या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर मुझे समन भेजा गया है या फिर एक व्यक्ति के तौर पर यह समन, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यह समन भेजा गया है। इसका अर्थ जो भास्कर हमें समझा रहे थे, इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर आपने बुलाया है तो मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कंधे पर बहुत सारे जिम्मेदारी है, उन्होंने दिवाली का हवाला दे दिया कि त्यौहार आने वाला है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, चुनाव नज़दीक है, मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाना है, मुझे पार्टी के संयोजक के तौर पर भी काम करना है और साथ ही साथ उन्होंने केस की डिटेल तो पूछी ही कि किस केस में किस हैसियत से बुलाया, लेकिन साथ ही ये भी पूछा कि बीजेपी को इस बात का कैसे पता चला। मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद का नाम लेते हुए उन्होंने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या कोई लीक है बीच में, क्या ईडी बीजेपी से मिली हुई है। सीधा सीधा प्रश्न तो यही खड़ा होता है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल का फिर आज अगला कदम क्या होगा? क्या वो यहाँ से सीधा मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? उनके साथ कौन कौन जाने वाला है, क्योंकि शुरुआत में जानकारी मिली थी कि भगवंत मान भी पहुंच रहे हैं उनके पास? देखिए, जहाँ कहीं भी बड़ी चुनाव सभा हो या कि रोड शो हो, वहाँ पे दोनों ही मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दोनों साथ में जाते हैं। सिंगरौली में रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी की मेयर हैं और आम आदमी पार्टी को लगता है कि सिंगरौली की सीट वो निकाल सकती है, विधानसभा की सीट, इसीलिए पार्टी वहाँ पे पूरा जोर लगा रही है और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। वहाँ पे रोड शो है 2 बजे। हमारे पास जो जानकारी थी कल देर शाम से ही, वो ये कि भगवंत मान 10:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद 1 बजे की यहाँ से बनारस के लिए निकलेंगे, फ्लाई करेंगे और बनारस से हो सकता है बाय रोड हो या कि बाय चौपर हो। जा आप बने रहिए हमारे साथ। गौनिका इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद है, गौनिका वहाँ की हलचल बताएं।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हलचल लगातार तेज हो रही है। जैसे ही कुछ थोड़ी सी हलचल होती है हम लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि कैसे कभी भी किसी भी वक्त सीएम निकल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उनके काफिले की गाड़ियां आपको दिखाई, देखिए वो पायलट गाड़ी है जो की लीड करती है पूरे कॉन्वॉय को, वो आगे लग चुकी है। और उसके बाद पीछे दो सिक्योरिटी की गाड़ियां लग चुकी है दिल्ली पुलिस की, और बाकी की जो सिक्योरिटी की गाड़ियां जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल ट्रैवल करेंगे वो गाड़ी अंदर से यानी कि उनके घर के अंदर के गेट से निकलेगी। तो पूरा काफिला जब यहाँ से निकलेगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल किस रास्ते से और कैसे जा रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान पहुंच चुके हैं। क्या वो भगवंत मान से मिलेंगे या फिर सीधे दोनों एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां पर उसके बाद वहां से रवाना होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में यहां से निकल सकते हैं, और क्योंकि अब जवाब ईडी को दिया जा चुका है उसमें देखिए दो ऐसी डेट्स भी उन्होंने बोली है, खासतौर पर दिवाली का वक्त बोला है और 3 दिसंबर जब नतीजे आने हैं 5 राज्यों के, इन दो चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन किया। यानी कि साफ तौर पर एक इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है कि 3 दिसंबर तक उनका शेड्यूल चुनाव के लिए बिजी है, और इसके अलावा दिवाली में क्योंकि वो दिल्ली के सीएम हैं ऐसे में फेस्टिविटीज के लिए भी उन्हें यहां पर रहना जरूरी है। इसीलिए ये दो डेट्स उन्होंने एक तरीके से कहे इंडिकेट कर दी है कि 3 दिसंबर तक तो पॉसिबल है भी नहीं। हालांकि एक फाइनल क्लियर वर्जन नहीं दिया गया कि वो 3 दिसंबर के बाद आएंगे नहीं, लेकिन ये दो डेट्स फिलहाल उन्होंने उस पर बोल दिया कि 3 दिसंबर तक नतीजे आएंगे, इसीलिए तब तक वो चुनावी कैंपेन में भी बिजी रहेंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल के जवाब को लेकर ईडी क्या जवाब देती है, क्या उनको एक अलग टाइम दिया जाता है, उसमें आरोप भी लगाए गए हैं, ये कहा गया कि उनका जो समन है वो लीक किया गया उनके पास आने से पहले बीजेपी के नेताओं के पास। मतलब गौनी का ये कि दिवाली के बाद का कोई समन ईडी भेज सकती है, दिवाली के बाद का कोई समन डेट निकाल कर ईडी भेज सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, बाकी और पॉइंट्स के जवाब के साथ साथ। देखिए दिवाली के बाद का भी और दूसरी डेट जो मैंने आपको बताई कि 3 दिसंबर यानी कि जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं उसके उस डेट का भी मेंशन किया कि 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, और 5 राज्यों में क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव जहां जहां लड़ रही है वहां वहां पर उनको अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाइड करने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। और वहां पर जिस तरीके से उनके चुनावी कैंपेन्स लगातार चल रहे हैं, जो आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, ऐसे ही कई कैंपेन्स और भी लाइंड अप है, ऐसे में 3 दिसंबर का भी एक इंडिकेशन उन्होंने उसमें दे दिया है। तो अब ईडी बारे में देखना होगा कि क्या ईडी दिवाली के बाद उनको उस सम्मन देती है दिवाली के बाद का या फिर 3 दिसंबर के बाद का देती है, क्योंकि सम्मन तो जरूर आएगा ही। ईडी सिर्फ उनके नोटिस के जवाब में ये नहीं कह सकती कि ठीक है आप जाइए हम आपसे पूछताछ नहीं करेंगे, ये तो हो भी नहीं सकता। इसीलिए जाहिर तौर पर ईडी उनको एक अलग डेट देगी, और जो जो आरोप उन पर अरविंद केजरीवाल ने अपने उस ऑफिशियल लेटर में लगाए हैं उसका जवाब भी ईडी उसमें देगी, और उसके बाद देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या जवाब जाता है। लेकिन सबसे पहले इंतजार ईडी के जवाब का होगा, क्योंकि ईडी पर आरोप भी गंभीर लगाए हैं, और इसके अलावा यह भी कहा गया कि समन लीक किया गया, यह सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि समन अगर किसी एजेंसी को किसी भी शख्स को देना है तो सीधे उनके पास जाना चाहिए, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दोपहर में ही बीजेपी के नेताओं के हाथ में लग गया जबकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल को मिला, ऐसे में उसका जवाब भी ईडी जरूर देगी। तो ये 3-4 चीजें अहम है जो कि अरविंद केजरीवाल के जवाब में ईडी अपने जवाब में जरूर मेंशन करेगी, और ईडी की तरफ से भी यह कहा गया कि जवाब उनको मिल गया है, अब ईडी अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगी कि आखिर उनको आगे क्या करना है, किस तरीके से जवाब देना है। एक बात तो तय है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ईडी ने जो आरोप लगाया है वो पूरा तथ्यात्मक नहीं है, डिटेल्स ठीक नहीं दी गई है समन में, यानी कि यह समन ही अवैध है, गैर कानूनी है। और यही बात इंडिया टीवी लगातार आपको सुबह से बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल का पहला कदम ही यह है कि इस समन को ही अवैध करार दे देना, गैर कानूनी करार दे देना। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समन ही अवैध है, बुलाया ही गलत है, और एक तरीके से बीजेपी पर भी यह आरोप है कि बीजेपी के पास ये जानकारी कैसे आ गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। और देखिए ये एक पॉइंट बनता है, कल बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से जानकारी ली जा रही थी, बात की जा रही थी, हमारे पास पुलिस के सोर्सेज से भी ये जानकारी मिल रही थी कि लीगल एक्सपर्ट से बात की जा रही है, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसमें कम से कम ये जरूर तय हो गया अब कि जो मनसा है उसी पे सवाल उठाया जाए, और वही किया गया है। ईडी को जो जवाब भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें साफ कर दिया गया है कि मेरे पास समन पहुंचे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ये जानकारी कैसे पहुंच गई, वो कैसे कहने लग गए दोपहर से ही कि मुझे समन मिलने वाला है या मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी।
हालांकि इसका जवाब बहुत जल्दी ईडी के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स देने लगेंगे कि हम तो उसी दिन से कह रहे हैं जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि जांच जो है अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। तो इन सबका राजनीतिक जवाब मिलना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन ईडी के ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या होना है उसका इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखिए दो चीज बहुत ही स्पष्ट है इस लेटर में कि अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनको बुलाया गया है तो ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। सरकार चलाना भी है, पार्टी भी चलाना है, अगर खुद नहीं रहते हैं तो बहुत परेशानी में होगी पार्टी भी और सरकार भी। ये मेंशन डायरेक्टली नहीं किया गया लेकिन ये लिखा गया। और भास्कर ये भी क्लियर है कि वो एक तारीख दे रहे हैं 3 दिसंबर। अब जो कुछ भी होगा 3 दिसंबर के बाद होगा और तब भी देखेंगे कि ईडी के समन का जवाब देना है या नहीं देना है, ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 3 दिसंबर तक ईडी इंतजार करेगी या कि इनके लेटर के बाद 3 दिसंबर तक का इंतजार किया जाएगा, ये टोटली ईडी के ऊपर में निर्भर है। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी भी पर्व त्योहार या किसी चुनाव की वजह से। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मोटिव यही नजर आ रहा है इसी लेटर के आधार पर, भास्कर मैं कह रही हूँ।